मतलब विज़िट के लिए आए थे यहाँ पे, तो बहुत ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। गज़र का मौसम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशगवार है और स्नो फॉलिंग हो रहा है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अभी उतरे हैं क्योंकि ये मतलब इस जगह का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इस लिहाज से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो गज़र का जो व्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर लूँगी कि यहाँ पे गज़र की मतलब इस ऐसे मौसम पे गज़र की तरफ आए और इस मौसम को इंजॉय कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आते हैं तो ये एहतियात कर ले कि गाड़ियाँ जो होती है वो स्पीड से ना चलाएं। स्पीड से चलाने की वजह से वो गाड़ी के अंदर जो होते हैं उनके लिए भी और जो गाड़ी के बाहर होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और इस मौसम पे यहाँ पे गज़र का जो हम लोग अभी उतरे हैं और ये इंजॉय ये मौसम इंजॉय करने के लिए उतरे हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द पूरी सफ़ेद चादर बिछी हुई है और हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इस बर्फबारी की वजह से लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं। उन लोगों की मतलब जो कारोबार और जो बिजनेसेस है वो बंद है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टूरिस्ट के लिए मेरा ये गुजारिश है कि वो इस मौसम में विंटर में हमारे गज़र के जो है इनकी गज़र की तरफ रुख कर ले और इसका ये मौसम इंजॉय कर ले। और यहाँ पे हमारे पास होटल्स और मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे जगह यहाँ पे मौजूद है गज़र में, जो मतलब कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे गज़र साइड पर नहीं आए हैं, उन्हें इस गज़र का जो व्यू है उन्हें नहीं पता है, तो लिहाजा उनसे ये गुजारिश है कि वो इस साइड पर आए और अपने हमारे ये गज़र का जो व्यू है वो देख लें। एक मिनट सर, मौसम को इंजॉय करने के लिए गिलगित से यहाँ पे आए हैं और हम लोग इस मौसम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और इस वक्त भी मुसलसल बर्फबारी हो रही है और ये तकरीबन 4 से 5 इंच बर्फबारी हो चुकी है और लगातार होती रही है हो रही हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि यहाँ पे जो गज़र का जो व्यू होता है विंटर में, विंटर और समर दोनों में बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशगवार होता है और बहुत ही ज़्यादा देखने के काबिल रहता है। इस गज़र के में एक खसूसियात आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं और रिस्पेक्टेबल होते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो आप लोगों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर लेंगे, और मैं आप लोगों को ये इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग इस साइड पे आए, गज़र साइड पे आए और यहाँ पे इस मौसम से आप लोग इस्तफादा हासिल कर लें। और हम लोग सारे यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि रिस्क लेके इसलिए आए हैं कि हम इस मौसम को इंजॉय कर लें, बाकी साइड्स में इसी तरह खुशगवार और मतलब इस तरह का निज़ाम नहीं है, इस तरह प्यारा सा व्यू जिस तरह वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इतने मज़े की वहाँ पे व्यू है। और हम लोग वहाँ पे जाने की कोशिश कर लेंगे, वहाँ जाकर हम आप लोगों से रब्ते में इस वक्त गाहकुच आए हैं, यहाँ के आए हुए हैं, और ये इस तरफ का जो मंजर है वो गुलदास का है, गुलदास का मंजर दिख रहा है और ये वहाँ से पुल जा रहा है।
और उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा देखने के लिए आए हैं क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं और बर्फ़बारी देखने के लिए आए हैं। और हमें बहुत ज़्यादा ही मतलब बर्फ़बारी का मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो रोड है बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी हो रही है, स्लिपरी हुई है। और आने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही एहतियात करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। डिस्ट्रिक्ट गुजर का ये गागुज का एरिया है, यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। आज स्नोफॉल हो रहा है, मौसम नहायत ही अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। यहाँ पे हम यहाँ पे आए तो मौसम का जो खुशगवार मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ के गुजर के लोग बहुत ही मेहमान नवाज है, निहायत हॉस्पिटलिटीज है इनके अंदर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो भी आएंगे मतलब यहाँ पे एज ए व्यू देखने के लिए है, गुजर के साइट्स देखने के लिए है, टूरिस्ट का एरिया है यहाँ पे देखने के लिए है, कुछ मतलब अपनी एहतियाती तदाबीर करनी है। और यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, कुछ अच्छे बड़े मतलब मोटे ड्रेसिंग पहन के आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही ज़्यादा सर्दी है। और दूसरी बात है कि रोड का नहायत डेंजरस रोड है क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त नहायत एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी होती है। और आगे गागुच जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये गागुच है, इससे आगे मतलब और ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो भी आए यहाँ पे नहायत एहतियात के साथ आ जाएं ताकि मतलब आप मौसम को भी इंजॉय करें और साथ साथ में अपने मतलब सेफ्टी भी करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िले गिज़र का इलाका है जो ज़िली दारुल खलाफा है, डिस्ट्रिक्ट के गाकूच के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं कि अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है और इस वक्त तकरीबन 5 से 6 इंच तक यहाँ पे बर्फ़बारी हो चुकी है। अगर हम ज़िले गिज़र के दीगर इलाकों की बात करते हैं जिसमें तहसील यासीन की और तहसील इशकोमन की और पुनियाल की बात करते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 1 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है, जबकि मज़ीद बर्फबारी यहाँ पे जारी है। बालाई इलाकों की जहाँ तक बात करेंगे वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 2 से 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है जिसकी वजह से मौसम भी काफ़ी सर्द हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद इस स्नोफॉल को देखने के लिए, इस विंटर टूरिज़म को इंजॉय करने के लिए इस इलाके का रुख करते हैं। उनके लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि वो गाड़ी स्लोली ड्राइव करें और उसके साथ साथ यहाँ का लोग जो हैं बड़े मेहमान नवाज है, आप इस मौसम को खूब यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िले गिज़र का जो हेडक्वार्टर है गाकूच में। आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाकूच में तकरीबन यह है कि 5 से 6 इंच तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि बालाई इलाकों में उससे ज़्यादा बर्फ़बारी आपको देखने को मिलेगी, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं बालाई इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 फीट तक इस वक्त बर्फ़ जम चुकी है। अगर हम ज़िले गिज़र के दीगर इलाकों की बात करते हैं जिसमें यासीन की, पुनियाल की, अपर गाकूच की और उसके साथ इशकोमन की, तो वहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़बारी हो चुकी है। इसी बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए ना सिर्फ गिलगित से बल्कि पूरे मुल्क समेत जो गैर मुल्की सयाह हैं, विंटर टूरिज़्म के जो शौकीन हैं, एडवेंचर के जो शौकीन हैं, वो इस इलाके का रुख कर रहे हैं। उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा वो जब भी यहाँ पर आ जाएँ यहाँ पर उनको बेहतरीन किस्म के फैसिलिटीज़, बेहतरीन किस्म के होटल्स, गेस्ट हाउस और मोटल यहाँ पर दस्तियाब हैं। उसके अलावा ज़िले गिज़र जो अपने मेहमान नवाजी के लिहाज से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अपना सानी नहीं रखता है, यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही खुलूस वाले लोग हैं। लेकिन जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके लिए कुछ हिदायत ये हैं कि वो जो ही गिलगित से निकलें स्लोली ड्राइव करें क्योंकि रोड पर भी अच्छी खासी बर्फ़ जम चुकी है, कक्कर भी है, लिहाजा स्लोली ड्राइव करें क्योंकि रोड जो हैं काफ़ी ज़िगज़ैग हैं, काफ़ी मोड़ यहाँ पर हैं, तो इस वजह से वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर तैयार करें। अगर आप पहनावे के हिसाब से लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो आप कम से कम यह है कि गर्म कोट और यह है कि मोज़े वगैरह और बेहतरीन तरीके से जैकेट और टोपी वगैरह पहन लें ताकि कि आपको ठंड ना लगे और आपका एक बेहतरीन सफ़र हो सके। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कि गिज़र का जो पार्क है वो आप यहाँ पे
बिल्कुल ही बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, खुसूसन यहाँ पे जो सैयाह आते हैं वो इस वक्त यहाँ आके बारबेक्यू करते हैं और उसके साथ साथ खूब हल्ले गुल्ले करते हैं। जो नसालू यहाँ का एक ट्रेडिशनल है, उसका नसालू का गोश्त यहाँ पे खूब पकाया जाता है। यहाँ पे बेहतरीन किस्म के डिशेज आपको मिलेंगी, जिसमें आपको पाकिस्तानी डिशेज, चाइनीज़ डिशेज और इटालियन और कॉन्टीनेंटल डिशेज जो हैं वो यहाँ आपको मिल सकती हैं। सयाहों के लिए बहुत बेहतरीन सहूलियात हैं और ये इलाका भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पुरामन और बहुत मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे हैं। आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि एहतियात ज़रूरी है। रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हों तो आप मतलब ये कि स्लो ड्राइव करें और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप गीज़र में पहुँच जाएँ। यहाँ पर इस वक्त भी जो आप देख रहे हैं कि बर्फ़बारी हो रही है और ये बर्फ़बारी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आइंदा 48 घंटों तक यहाँ पे बर्फ़बारी होगी। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप गीज़र आ सकते हैं, ये मौके बार बार नहीं आएंगे। आप स्नो फॉलिंग जो सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है ज़िले गीज़र के अंदर, इसको देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ का रुख करें। ओके, और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हर साल सालाना तकरीबन 3-4 फुट से ज़्यादा भी बर्फ़बारी होती है, यानी कि बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, उसको देखने के लिए तमाम मुल्क के तमाम एरिया से, हर जगह से, बाहर इवन बाहर के सियाह भी आते हैं, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे यहाँ गीज़र का मौसम देखने के लिए आते हैं। और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे गीज़र के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मेहमान नवाज होते हैं। ठीक है, मेहमानों की बहुत ज़्यादा ही कदरदानी की जाती है, और उसके अलावा उससे हट के यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा ही प्यारे होते हैं। आज हम लोग यहाँ गीज़र के लिए स्पेशली बर्फ़बारी देखने के लिए, यहाँ पे गीज़र का मौसम इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 4 से 5 इंच बर्फ़बारी हो चुकी है और मुसलसल आगे बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पे गीज़र में जो है यहाँ बर्फ़बारी, मतलब गीज़र के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज है और यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर लेंगे। यहाँ गीज़र में अभी इस टाइम पे बर्फ़बारी हो रही और मतलब आपके इर्द गिर्द सारी सफ़ेदी नज़र आएगी और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग गिलगित से स्पेशली यहाँ पे ये बर्फ़बारी इंजॉय करने और देखने के लिए आए हैं और ये आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कि गीज़र का मौसम इस वक्त किस तरह है। ठीक है।